रोटी वाले पराठे बनाए हैं मैंने एकदम से, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा नमक, क्योंकि ना जो मैं पराठे ये खाएगा खिचड़ी, क्योंकि ना आज कितने दिनों से ना हम दाल हाँ इसका खिचड़ी, तो बस दाल और भुजिया बना के जा रही हूँ भाभी के घर पे, क्योंकि ना इतने दिनों से ना मैं भाभी के। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत बढ़िया हो गए। तो गाइज, आज काफ़ी दिनों बाद फिर से मेरा न्यू ब्लॉग आ रहा है, यानी कि जब सासू माँ थी ना तभी का मेरा ब्लॉग आया हुआ था, और आज चार दिन हो गया, चार दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी कि ना बुखार मेरा बहुत ज़्यादा मुझे हो गया था, और सर्दी उर्दी भी हो गई थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से ना फिर मेरा ब्लॉग बनाने का ना बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहा था। और अब देख सकते हो ना फेस से भी आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी सी मेरा मतलब तबीयत ख़राब था, तो फेस भी डाउन लग रहा होगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11, और बस नाश्ता किया हमने, और आजकल तो मैं जल्दी सुबह उठ भी नहीं पा रही हूँ, 9:30 बजे तक मैं उठ रही हूँ। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ जस्ट अपने किचन में, और अभी मैं बना रही हूँ दाल। तो अभी ना टाइम जो हो रहा है ना, मैं वो टाइम देख लेती हूँ। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 4:30, और ना फटाफट से मैं चढ़ा लेती हूँ दाल, और उसके बाद से बनाऊँगी मैं चावल और आलू की भुजिया। तो बस दाल और भुजिया बना के जा रही हूँ भाभी के घर पर, क्योंकि ना इतने दिनों से ना मैं भाभी के घर पर भी नहीं गई हूँ। तो आप सब सोच रहे होगे ना कि इतना सुबह में दाल कौन बनाता है, मतलब खाना कौन बनाता है, तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड ना आते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब दिन भर का जो होता है ना, जैसे थकावट, उसके बाद से भूख बहुत तेज उनको लगती है, तो इसलिए ना फिर मैं फटाफट से सारा खाना रेडी करके रखती हूँ, जैसे वो आते हैं फटाक से बस चावल बनाते हैं और फिर उनको खिलाते हैं। तो बस इसलिए मुझे जो भी है ना उसको जल्दी जल्दी से बनाना पड़ता है। और अभी ना मैं जाऊँगी सामने वाली जो भाभी है ना उनके घर पे, कि काफ़ी दिनों से ना उनके घर पे नहीं गई हूँ, और वो मुझे बुला भी रही है, तो मैंने सोचा चलो इसे भी निपटाते हैं और उसके बाद से चलते हैं। और मतलब वो भी प्रेग्नेंट है, तो मेरे से बस 2 महीने कम है, यानी कि मेरा 7 मंथ लग गया है और उनका लगा है 5th मंथ, यानी कि मेरे से 2 महीने भी पीछे हैं। तो बस मेरा जो डेट है वो है 3 मार्च या 4 अप्रैल में हो जाएगा, और उनका वही 3 मई और 4 जून तक जैसा भी होगा, देखते हैं माता रानी कब जैसा जो होता है। तो चलते हैं, और ना मैं भगवान से मना रही हूँ ना कि भगवान जी प्लीज ये ठंड खत्म कर दो, क्योंकि ना मुझे कसम से ना इस ठंड में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम से ना मैं बोर हो चुकी हूँ इस ठंड से, बस घर में रह के एकदम दिमाग का ना कोरमा बन गया हमारे। तो बस मैं सोच रही हूँ कि ये ठंड बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि थोड़ा सा मैं बाहर घूमूँ, धूप में जाऊँ, अच्छा लगता है। चलिए, तो दाल में ना आज मैं ना तड़का वड़का कुछ भी नहीं लगाऊंगी, एकदम सिंपल सा दाल बनाऊंगी, एकदम सिंपल सा, क्योंकि साथ में ना आलू की सब्जी भी है, तो बस उसके साथ सिंपल दाल अच्छा लगेगा। तेरी बेचैनी का तेरी चाहत में तेर नहीं जो तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, कल का जो ब्लॉग है ना, मैं उसे अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। कल एक्चुअली मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं सोचा चलो अभी सुबह सुबह का टाइम है और बज रहे हैं
सुबह के 10:30 और अभी तक मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने ना परांठे बना के और रख दिए थे, क्योंकि आज ना मुझे करना था पूजा। काफ़ी दिनों से ना मैं पूजा भी नहीं कर पा रही थी। क्या होता ना कि सुबह ना मैं उठ के अगर जिस दिन ना परांठे वगैरह खा लेती हूँ ना, परांठे चाय वगैरह कुछ भी खा लेती हूँ ना, तो फिर सुबह पूजा नहीं हो पाती है। तो आज मैंने सोचा ना कि नहीं, आज सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, चाहे कितना भी लेट हो, उसके बाद से फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो सबसे पहले सुबह उठ के ना मैंने एक गिलास दूध पी लिया था, उसके बाद से फिर मैं नमक वगैरह वाला परांठे बनाए। तो अभी ना मैं पराठे, देख सकते हैं ना, रोटी वाले पराठे बनाए मैंने एकदम से। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा नमक, क्योंकि ना जो मैं पराठे में जो होता है ना, मैं नमक वाले खाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है चाय से। तो बिल्कुल ना मैंने रोटी की तरह बना के बस उसमें घी लगा दिया है एकदम से, उसका सेव वाला नहीं बनाया है। और इधर मेरा बन रहा है गर्मा गर्म सी चाय सुबह की। सुबह क्या, अभी तो 10:30 हो गए, सुबह तो चाय मैंने थोड़ा सा पी लिया था। और इधर मेरा पूजा वगैरह सब कुछ हो गया कंप्लीट। अगर पूजा कर लो ना तो कितना, मतलब अपने आप से ना कितना ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और जिस दिन मतलब मैं पूजा नहीं करती हूँ ना, उस दिन मुझे ना बिल्कुल भी मतलब अच्छा फील होता ही नहीं है। तो उससे अच्छा है ना मैं सोचूँ कि नहीं, आज कुछ भी नहीं करूँगी, नाश्ता वगैरह सबसे पहले पूजा करूँगी। तो चलिए गाइस, चाय भी मेरा बन ही गया है। चाय तो मेरा बन ही गया था, बस मुझे थोड़ा सा इसे अच्छे से खुलाना था, तो हो गया। आजकल ना मैं इसी पे खाना बना रही हूँ, देखती हूँ बिजली का बिल कितना आ रहा है, अभी तक तो आया नहीं है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं, अगर ज़्यादा आएगा फिर हम इसे ना कम यूज़ करेंगे, अगर कम आएगा तो फिर तो हम इसे यूज़ कर ही सकते हैं। तो अभी तक तो बिजली का बिल आया नहीं है और एक महीने होने को जा रहे, तो देखते हैं आता है या फिर कैसा होता है। क्योंकि ना हमारा जो, हाँ क्या, जो हमारा हीटर है ना वो भी लगातार ही चलता रह रहा है, तो बस इसलिए। लीजिए जी हमारा सुबह का नाश्ता, चाय और परांठे रेडी हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं लंच में क्या बनाऊँ, तो आज मैं सिंपल सा नहीं, अभी नहीं, यहाँ नहीं बैठूँगी मैं, हीटर के पास बैठूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लग रही है सर्दी मुझे। किट्टू क्या हुआ, ओके आ जाओ, तो हीटर अच्छे से हाथ में लगा लगा के, उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो चलिए नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज हमारा नाश्ता हो गया है कम्प्लीट, और आज मैं लंच में बनाऊंगी आदू के फेवरेट डिश। क्या बनेगा आदू बताओ, मैं हाँ बता दो। खिचड़ी, खिचड़ी ये खाएगा खिचड़ी, क्योंकि ना आज कितने दिनों से ना हम दाल चावल, हाँ इसका खिचड़ी बहुत फेवरेट लगता है। मैं दाल चावल खा करके ना कि हम बोर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा ना कि आज ना मैं सारी ना हरी सब्जियों को डाल के और अच्छी सी खिचड़ी बनाऊंगी। दे सकते हैं ना कि मैं मटर छुड़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और इधर मैंने लिया है गोभी, टमाटर, गाजर, सारी सब्जियाँ मिक्स करेंगे और अच्छे से इसे ना कम से कम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, वरना अगर बिल्कुल भी टुकड़ा रहेगा तो ये नहीं खाएगा। तो इसके चलते ना मुझे बस थोड़ा सा सीटी लगाना पड़ेगा, और उसके बाद टेस्टी टेस्टी सा खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि फिर हम और ये है तो फिर ज़्यादा तो कुछ ताम झाम करना नहीं है मुझे। और वैसे तो रोज़ मैं खाने में लंच में दाल चावल तो बनाती हूँ। तो गाइस फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फिर ऐसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।